सूर्याय नमः। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री माननीय अनिल विज जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग डॉक्टर जी अनुपमा तथा आयुष विभाग हरियाणा के महानिदेशक एवं करनाल मंडल के आयुक्त डॉक्टर साकेत जी के कुशल निर्देशन में एवं हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य जी के कुशल मार्गदर्शन में तथा सभी सदस्यों, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी संस्थाओं, शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, खेल विभाग तथा जिला प्रशासन के ईस्ट सहयोग से 11 जनवरी से 15 फरवरी 2023 तक 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष में आयोजित किया जा रहा है। आपको व्यक्तिगत अथवा संस्थागत रूप में हरियाणा योग आयोग द्वारा संचालित वेबसाइट www.75lakhsuryanamaskarhariyana.com पर पंजीकृत करवाने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को 6 दिन तक लगातार 13 आवृत्ति प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना होगा। संस्थागत पंजीकरण करने हेतु संस्था के लेटरहेड पर संस्था के मुखिया द्वारा सदस्यों की संख्या लिखकर हस्ताक्षर व स्टाम्प लगाकर उसे अपलोड करना होगा। बाद में ऑनलाइन प्रमाण पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। हरियाणा योग आयोग सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ सूर्य देव को अर्पण करना, नमन करना अथवा नमस्कार करना है। सर्वप्रथम जानते हैं सूर्य देवता के बारे में। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी है तथा हीलियम व हाइड्रोजन गैसों का गोला है। हमारी समस्त गतिविधियां सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से ही संचालित होती हैं। भारत के अतिरिक्त जापान, मिश्र तथा चीन आदि देशों की संस्कृति भी सूर्य को ऊर्जा के देवता के रूप में स्वीकार करती है। भारतीय संस्कृति की धरोहर ईश्वर कृत वेदों में भी अनेक मंत्रों के माध्यम से सूर्य को मनुष्य के लिए उपयोगी बताया गया है। हमारे शरीर के मस्तिष्क भाग में स्थित सूर्य ग्रंथि अर्थात पीनियल ग्लैंड भी सूर्य से सीधी प्रभावित होती है। सूर्य को विटामिन डी का प्रमुख स्रोत भी माना गया है। जानते हैं सूर्य नमस्कार के इतिहास के बारे में। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इसी कारण प्राचीन ऋषि मुनि सूर्य की पूजा अर्चना करते थे। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार जीवनोपयोगी स्रोत अर्थात सूर्य देवता का सम्मान करते हुए उसे यौगिक विधि अनुसार नमस्कार करना अथवा वंदन करना मानव के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भारत के आदि ग्रंथों में आता है कि भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी भी नियमित रूप से गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते थे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास भी 1200 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते थे। छत्रपति शिवाजी को भी गुरु रामदास जी ने सूर्य नमस्कार करना सिखाया था, जिससे शिवाजी शरीर मन व बुद्धि से सबल बने। यह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर अर्थात मन तथा श्वास समन्वय के साथ 7 चक्रों पर ध्यान रखते हुए 7 आसनों का 12 मंत्रों के साथ 12 चरणों में सजगता से किया जाने वाला अभ्यास है। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार इसके 12 या 13 बीज मंत्र हैं। यह रीढ़ सहित शरीर के समस्त जोड़ों को एक्सटेंशन अर्थात तानना, फ्लेक्शन अर्थात ढीला करता है, जिससे शरीर के समस्त जोड़ स्वस्थ एवं क्रियाशील रहते हैं तथा रीढ़ भी लचकदार बनती है। तीनों दोष 5 तत्वों तथा 7 धातुओं का संतुलन करके सभी रोगों से मुक्त रखता है। शरीर में शक्ति, लचीलापन, संतुलन, समन्वय व एकाग्रता को बढ़ाता है। हृदय को स्वस्थ करना, तनाव नियंत्रण, प्रगाढ़ निद्रा, पाचन तंत्र स्वस्थ करना तथा एंडोर्फिन नामक हार्मोन को बढ़ाने में सहायक है, जिससे दर्द निवारण में सहायता मिलती है।
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दुष्प्रभावों से भी बचाता है। अब जानते हैं नियम व सावधानियों के बारे में। सूर्य नमस्कार का अभ्यास यथासंभव शारीरिक शुद्धि अर्थात शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर प्राकृतिक स्वच्छंद वातावरण में ढीले वस्त्रों में खाली पेट विद्युत कुचालक आसन पर सूर्याभिमुख होकर सूर्योदय के समय करना सर्वोत्तम माना गया है। इस क्रिया का प्रारंभ मन में सूर्य की ऊर्जा के प्रति आभार तथा कृपा का भाव रखकर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के चरण पूर्ण करने के पश्चात शवासन अथवा योग निद्रा में पूर्ण विश्राम करना उपयोगी होता है। बुखार उल्टी दस्त उच्च रक्तचाप चोट मूंछ आदि रोग होने पर सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करना वर्जित है। सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस अत्यधिक कमर दर्द से पीड़ित को करना वर्जित है। गर्भवती एवं प्रसूता महिलाएं योग विशेषज्ञ से परामर्श के बाद ही इसका अभ्यास करें। शरीर का बड़ा ऑपरेशन होने के 6 मास बाद स्वस्थ होने पर ही इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। आइए जानें सूर्य नमस्कार अभ्यास हम क्यों करें अर्थात इसका प्रयोजन क्या है। सूर्य नमस्कार उत्तम स्वास्थ्य प्राप्ति के अतिरिक्त धरती पर जीवन संरक्षण के लिए हमें सूर्य देवता के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर भी प्रदान करता है। आप अनुभव करेंगे कि यह आपके चुस्त दुरुस्त प्रसन्न व शांत रहने के लिए सेतु बन जाता है। सारा दिन अर्थात प्रातः से सायं तक इसके प्रभाव को आप अनुभूत कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार अभ्यास 12 शक्तिशाली योगिक स्थितियों का समन्वय है तथा एक उत्तम कार्डियो वास्कुलर व्यायाम भी है जो शरीर व मन दोनों को स्वस्थ रखता है। समय के अभाव में सूर्य नमस्कार अभ्यास आपके लिए अच्छा विकल्प है। औरों के हित जो जीते।